A very happy Independence Day to all my brothers sitting out here. अस्सलामुअलैकुम हबीबीस, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग की आपने इंट्रो तो देख ली होगी। यहाँ पर जुबेल पे पाकिस्तान जो है वो कम्युनिटी है, तो उन्होंने जो है एक इंडिपेंडेंस डे का जो है ना एक सेलिब्रेशन रखा हुआ था, लेकिन शायद वक्त नहीं था या कुछ मसरूफियात थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले किया और आज उन्होंने जनाब वो पार्टी वो अरेंजमेंट सारा किया, तो जिसमें जेसीए को भी उन्होंने इनविटेशन भेजा है। जेसीए की तरफ से 4 सऊदी नेशनल प्लेयर खेले हैं, उन्होंने उनको भी इनविटेशन भेजा है कि वो भी आए, ताकि पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स में जो लड़के वगैरह गए हुए हैं वो सब की हौसला अफजाई हो, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह हो, ये जाके पता चलेगा क्या सीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है नदीम जट, और दूसरे दोस्त हैं एक हसीब और एक इश्तियाक है। ये 4 लड़के हम सऊदी नेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह खेल चुके हैं, और हसीब भाई तो नहीं अभी खेले क्योंकि उनका नाम आया रिसेंटली और वो भी साथ जाएंगे। तो पता चल गया आज का भी लोग खुश शशके वाला होने वाला है, तो जाते हैं जाके देखते हैं क्या सीन है। अभी तो पिक करना है नदीम जट को, और सुपरस्टार जो जेसीए का सुपरस्टार है, तो इंशाल्लाह फिर आस्ता आस्ता आपको सारी चीज़ बताते हैं। ले जी, जिसका वेट कर रहे हैं जेसीए का और सुपरस्टार हीरो जो सऊदीया नेशनल टीम में जो सबसे पहले दफा, वालेकुम अस्सलाम, खूब के फन था। सबसे पहले तो सर उम्र मुबारक, माशाल्लाह बहुत बहुत। ये मेरी शर्ट लेके आया, मेरे पास शर्ट नहीं थी, छोटे भाई के पास थी जेसीए की। और क्या सर उम्र जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फट रहा है, टूर वगैरह सफर सही रहा है। ले जी, दूसरा प्लेयर आ गया, और जट साहब जा कितने हैं? सही करना सर, मैं नहीं करना है, मैं नहीं करना है, आप नहीं करना है। अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह लोकेशन में लगा लूंगा। हाँ बस ठीक है, लोकेशन का हमें नहीं पता, जट साहब को पता है। तो ये माशाल्लाह जेसीए की तरफ से पहले सऊदी नेशनल प्लेयर थे जो जेसीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे सऊदी नेशनल टीम में, तो अभी सेकंड दूसरी बार भी सिलेक्ट हो चुके हैं। सेकंड मैं था और थर्ड शाकी, और अब हसीब भाई का भी नाम आया ना, हसीब भाई, यानी कि 4 बंदे जो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल में जो जेसीए ने स्टैंड लिया, एक समझ लें कि एक क्रिकेट को जो फ्रोग मिला, बाकी सऊदीया की टीम को भी पता चला कि भाई जेसीए में भी कोई टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2-3 सालों में पूरे सऊदीया में पता चल गया, पहले बस एक फॉर्मेलिटी के लिए खेलते थे जी, सारे गेट टुगेदर हो जाते थे, लेकिन जब से माजिद मुनव्वर साहब और इश्तियाक साहब और उनकी जो मैनेजमेंट और कमेटी आई है, उसके बाद जनाब पता चला है सबको, उन्होंने एफर्ट की है और ग्राउंड्स वगैरह बनाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड फीलिंग है कि यार परदेश में आके हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है, हम सऊदी नेशनल को जो एक ख्वाब था कि पाकिस्तान की तरफ से हम खेलें, एक स्टार लगे, आईसीसी में हमारा नाम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं खेल सके, लेकिन सऊदीया की तरफ से जो है हम खेल चुके हैं और एक नाम बना लिया। क्यों जाट साहब, कोई दो अल्फाज जेसीए की तरफ से कोई भी? जेसीए आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ, बिल्कुल कोई शक नहीं, भी प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे है। और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर हैं जेसीए के, सबको खुशी होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 प्लेयर इसलिए जो हैं वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं। इंशाल्लाह और ज्यादा हो जाएंगे, इंशाल्लाह ऐसे ही जो है दुआ है। जो भी लोग मेरा जेसीए में देखेंगे, जेसीए के लोग देखेंगे, बस एफर्ट करें। आपके सामने हमने भी एफर्ट किया है, कोई यहाँ पर सिफारिश कोई पर्ची कोई इस टाइप का नहीं है, हम एफर्ट करते थे, मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज टॉप ऑफ स्कोरर आते थे, तो नाम जाहिर सी बात है उन बंदों के जाता है, तो जो बंदा एफर्ट करेगा उनका ऑटोमेटिकली नाम आएगा, कोई इधर नहीं है कि भाई इसको खिलाना है उसको खिलाना है, जो एफर्ट करता है पूरा सऊदीया उसको देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 इंटरसिटी हुए हैं जिनमें से 3 हम फाइनल विन किए हैं, फर्स्ट टाइम 4 इंटरसिटी हुए थे, जो जेसीए की टीम जो है अदर सिटी गए थे, जुबेल में, जुबेल से दमाम रियाज और उनकी कसीम की टीमें भी जुबेल में आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 हम विन किए थे, अनफॉर्चुनेट 1 हम हार गए थे लेकिन वो भी फाइनल हारे थे, तो इट्स पार्ट ऑफ गेम है, होता रहता है, बाकी जो स्टोरी है वो जाके इवेंट में पता चलेगी कि वहां में क्या सरप्राइज है हमारे लिए, क्या सीन है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ले जी आ चुके हैं, हमारा तीसरा स्टार भी आ गया इश्तियाक शाकी, फास्ट बॉलर माशाल्लाह, इस टाइम
इस टूर पे शाकी गया था और ये नदीम जाट साहब और हमारे जो राशिद भाई सऊदी माज के कप्तान, और अभी आ चुके हैं हम यहाँ पर। अभी हसीब भाई पाकिस्तान है, हसीब भाई तो नहीं आए, बाकी देखते हैं क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो कोई शशके वाले लग रहा है, बड़ा लग रहा है। ये फुटबॉल की ग्राउंड है भाई, फुटबॉल तो यहाँ पर जो है ना हर जगह पे कोने कोने पे जनाब, यहाँ फुटबॉल के लिए हर चीज़ मैसर है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نجم زادتكم وقتنا لقار وجانو وقتكي أنهيرون A very happy Independence Day to all my brothers sitting out here. आज के इस दिन की तकरीर का मकसद मेरे नजदीक और आज के इस दिन को मनाने का मकसद मेरे नजदीक ये है कि हम अपने आबाओ अजदाद की लाजवाब और बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करें कि जो उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जना की क़यादत में की और उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें एक अर्ज पाक अदा की जिसे दुनिया में आज मुमलकत खुदादा पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। आज के दिन हम ये भी अर्ज करते हैं कि हम दुनिया में चाहे किसी भी जगह हो हम अपने मुल्क की इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने माल और अपनी जान की कुर्बानी से दरेज नहीं करेंगे। और हम ये भी अदा करते हैं कि हम किसी भी जगह हो हम अपने मुल्क की सलामती बका और इसकी तजीलो नो के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के खदादात को हमेशा कायम कायम रखे, इसको दाखिली और खारजी दुश्मनों से बचाए और जो जो इसके बेहतरीन अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ उन्हें हमेशा कायम कायम और सलामत रखे। आप सब की आमद का इस वक्त पे बहुत शुक्रिया और मैं आप सब की भरपूर सपोर्ट के साथ एक पलक शराब नारा यहाँ पे लगाना चाहूंगा। पाकिस्तान पाइंताबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इश्तियाक नौजवान जिन्होंने हमारे हौसला अफजाई के मुश्किल अचीवमेंट है कि मोहम्मद रसीद पाकिस्तान के नाम के बिहाफ के दोस्त जो है वो अवार्ड वसूल करेंगे। प्लेयर ऑफ द ईयर थे अयान शमशम, उनसे गुजारिश करूंगा।
जो है अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। अभी लंगर शरीफ जो है जट साहब लंगर फुल भरा ना खा रहे हो। हसीब भाई क्या हाल है? हसीब भाई बस इतने जगह लगी उ बह जाओ, बस सानू भी लग गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा आज का ब्लॉग था, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये सब लोग बैठ के जो बातें बना रहे हैं, खुदा की कसम ये सिर्फ काबी से जा रहे, जिन्हें खुद भी नहीं पता हमने करना क्या है। मेरे बेटे अबू जान से मुकाबले लगा रहे।